ट्वेंटी लोकोमोशन एंड मोवमेंट लोकोमोशन इज द वॉलेंट्री मूवमेंट्स रिजल्टिंग इन ए चेंज इन लोकेशन लोकोमोशन एक वॉलेंट्री मूवमेंट है विलिंग मूवमेंट है जिससे लोकेशन बदलती है टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग में तीन तरह के मूवमेंट uh, होते हैं अमीबाइड मूवमेंट सिलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट अमीबॉइड मूवमेंट सीडोपोडिया से होते हैं एग्जाम्पल मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइड्स एंड साइटोस्केल्टन एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट्स। सिलियरी मूवमेंट सिलिया से होते हैं एग्जाम्पल सिलियरी मूवमेंट इन ट्रैकिया यानी ट्रैकिया में सिलियरी मूवमेंट होता है और ओविडक्ट में होता है सिलिया इनमें प्रजेंट होते हैं ट्रैकिया में ये डस्ट पार्टिकल और फॉरेन सब्सटेंस को हटाते हैं और ओविडक्ट uh, में ये ओवा का मूवमेंट करते हैं मस्कुलर मूवमेंट बाय मसल्स इसमें लिम्स के मूवमेंट होते हैं हाथ पैरों के मूवमेंट होते हैं ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम मसल्स आर मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन यानी जो मसल्स होती हैं ह्यूमन की वो मीज़ोडम लेयर से बनी होती हैं फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द बॉडी वेट ह्यूमन का ये कवर करती हैं हैव एक्साइटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्टिलिटी एक्सटेंसिबिलिटी एंड एस्टिसिटी ये चार क्वालिटी आ, मस, मसल्स में होती हैं एक्साइटिलिटी भी होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी होती है और एक्सटेंसिबल भी होती हैं और इलास्टिक भी होती हैं बेस्ड ऑन लोकेशन मसल्स आर थ्री टाइप्स लोकेशन की बेस पर मसल्स तीन तरह की होती हैं इस्ट्राइट मसल्स नॉन स्ट्राइट और विसरल मसल्स कार्डियक मसल्स या इस्केल्टल मसल्स नॉन स्केल्टल और विसरल मसल्स कार्डियक मसल्स स्ट्राइटेड और वॉल्ट्री मसल्स इनमें स्ट्राइशन होता है ये वॉलेंट्री होती हैं स्केल्टन से अटैच होती है रिच ब्लड सप्लाई होती है फटीक मसल्स होती हैं यानी थक जाती हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड है मोर माइटोकॉन्ड्रिया इनमें होते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल्स या विसरल मसल्स स्ट्राइशन अप्सेंट होता है इनवॉलेंट्री होती है विसरल ऑर्गन्स इंटरनल ऑर्गन में प्रजेंट होती हैं पुअर ब्लड सप्लाई होती है नॉन फटीग मसल्स होती हैं है, यानी कभी थकती नहीं है यूनि न्यूक्लिएट होती हैं लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं कार्डियक मसल्स इनमें स्ट्राइशन होता है प्रेजेंट होता है इनवॉलेंट्री होती हैं प्रेजेंट इन हार्ट वॉल हार्ट वॉल में ये होती हैं रिच ब्लड सप्लाई होती है नॉन फटीक मसल्स ये कभी थकती नहीं है यूनि न्यूक्लिएट है और इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स स्केलेटल मसल्स इज मेड अप ऑफ मसल्स बंडल्स जो स्केल्टल मसल होती है वो मसल बंडल से बनी होती है जिन्हें फैसिकल्स बोलते हैं और ये कॉलेजनस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स से जुड़े हुए होते हैं जिसे फैसिया बोलते हैं ईच फैसिकल्स कंटेन्स नंबर ऑफ मसल फाइबर्स और हर फैसिया या मसल बंडल में बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं मसल सेल्स जिन्हें बोलते हैं मसल फाइबर्स आर लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मसल फाइबर्स के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम लोग सार्कोलेमा बोलते हैं और इसके अंदर जो मटेरियल होता है उसे सार्कोप्लाज्म बोलते हैं ईच मसल फाइबर कंटेन्स मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल्स जो एक मसल फाइबर होता है उसमें बहुत सारे मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स होते हैं ईच मायोफाइब्रिल हैज़ अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड डार्क बैंड को अन आइसोट्रॉपिक और ए बैंड बोलते हैं लाइट बैंड को आइसोट्रॉपिक और आई बैंड बोलते हैं दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू फाइब्रस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और ये इनमें दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से होता है थिन एक्टिन फिलामेंट होता है और थिक मायोसिन फिलामेंट होता है आई बैंड कंटेन एक्टिन आई बैंड में एक्टिन होता है जो थिन होता है ए बैंड में मायोसिन होता है जो थिक होता है दे आर अरेंज्ड पैरलर टू ईच अदर ये एक दूसरे के पैरलर होते हैं ए बैंड बीअर्स अ लाइटर मिडल रीजन एच बैंड फॉर्मड ऑफ ओनली मायोसिन जो ए बैंड होता है उसके बीच में एक लाइट रीजन होता है एच बैंड कहलाता है मायोसिन का बना होता है ए थिन डार्क लाइन एम लाइन रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ एच जोन एच जोन के सेंटर से एक एम लाइन गुजरती है आई बैंड इज बाइसे्टड बाई अ डेंस डार्क बैंड कॉल्ड जेड लाइन आई बैंड को बीच से एक जेड लाइन बाइसेक्ट करती है और दो जेड लाइन के बीच के पोर्शन को हम लोग सार्को मियर कहते हैं दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल्स ये मसल्स की स्ट्रक्चुरल और फंक्शनल यूनिट होता है